कोविड अनुशासन का पूरा पालन करें। दोस्तों स्वागत करते हैं आपका बिंदास खबरें में, जहां पर हम आपको बताते हैं देश दुनिया की ताजा और बड़ी खबरें। दोस्तों जहां देश में कोरोना का असर अब कई जगहों पर कम होता नजर आ रहा है, ऐसे में कुछ राज्यों ने लॉकडाउन में ढील देने की घोषणा कर दी है, पर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाया है और कई जगहों पर पाबंदियों को सख्त किया गया है। और इन सब के बीच हमारे देश में तूफानों का कहर भी जारी है। इन सभी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी घोषणा कर दी है, जिसको जानना सभी के लिए जरूरी है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर वेदन है कि इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखें। तो आइए आपको बताते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें, वो भी 10 मिनट में। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि देश के कौन कौन से राज्य करने वाले हैं अनलॉक, कहां बढ़ गया है लॉकडाउन, जाने अपने राज्य का हाल। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप अब धीरे धीरे कम हो रहा है। देश में अब कोरोना के रोजाना मामले 2 लाख से नीचे आ गए हैं। ऐसे में कई राज्य अब कोरोना की सख्त पाबंदियों में ढील देने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली, यूपी समेत देश के कई राज्यों में 1 महीने से भी ज्यादा समय से लॉकडाउन लागू है। इन सभी राज्यों में लॉकडाउन में ढील को लेकर सबके मन में सवाल है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में 31 मई से अनलॉक शुरू होने जा रहा है। दिल्ली में फिलहाल 31 मई सुबह 7 बजे तक के लिए लॉकडाउन है। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू की पाबंदियों में 1 जून से धीरे धीरे ढील दी जाएगी। जबकि यूपी की बात करें तो यूपी में फिलहाल 31 मई सुबह 7 बजे तक के लिए आंशिक कोरोना कर्फ्यू लागू है। जानकारी के मुताबिक 1 जून से इसमें भी ज्यादा ढील दिए जाने के संकेत है। ऐसे ही झारखंड की बात करें तो झारखंड में कोरोना के मामलों में तेजी से गिरावट आई है और यहां 3 जून तक लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन 1 जून को सीएम हेमंत सोरेन अनलॉक पर फैसला ले सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि तमिलनाडु में 7 जून तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है और नागालैंड की बात करें तो वहां भी 11 जून तक लॉकडाउन बढ़ गया है। साथ ही आपको बता दें कि पंजाब में कोरोना से जुड़ी पाबंदियां 10 जून तक रहेंगी, लेकिन कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए निजी वाहनों में यात्रियों की संख्या की सीमा हटा दी गई है। वहीं राजस्थान ने लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाकर 8 जून कर दिया है। हालांकि जिन जिलों में संक्रमण घटा है वहां 1 जून से कारोबारी गतिविधियों में छूट दी जा सकती है। और साथ ही आपको बता दें कि उड़ीसा में 1 जून तक लॉकडाउन लगा हुआ है। यहां 5 मई को पहली बार 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगा था, जिसको 2 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि धीरे धीरे घट रहे कोरोना के मामले, 45 दिनों में आए सबसे कम केस। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि देश में एक दिन में कोविड 19 के 173,790 नए मामले सामने आए, जो पिछले 45 दिनों में सबसे कम है। आपको बता दें कि मंत्रालय के सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे के दौरान 3,617 लोगों की मौत हो गई। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि यूपी और बिहार से मुंबई जाने वालों के लिए शुरू हो गई है स्पेशल ट्रेनों में टिकटों की बुकिंग। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश या फिर बिहार से मुंबई जाने वालों के लिए खुशखबरी है। आज यानी कि 29 मई से स्पेशल ट्रेनों की बुकिंग शुरू हो गई है। अगर आप भी यूपी बिहार से किसी भी शहर से मुंबई पहुंचना चाहते हैं तो इन स्पेशल ट्रेनों में टिकट बुक करा सकते हैं। टिकटों की बुकिंग IRCTC से की जा सकती है। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि मुंबई से छूटने वाली पूरी तरह से आरक्षित स्पेशल ट्रेनों की बुकिंग स्पेशल चार्ज के साथ सभी कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्रों और वेबसाइट IRCTC से की जा सकती है। आपको बता दें कि उत्तर भारत की तरफ से जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की डिमांड के कारण कुछ विशेष ट्रेनों का विस्तार किया जा रहा है। ये सभी स्पेशल ट्रेनें मौजूदा रूट, टाइमिंग और हाल्ट के साथ चलेंगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अब 12 साल से लेकर 15 साल के बच्चों को भी लगेगा टीका, फाइजर की वैक्सीन को EMA ने दे दी है मंजूरी। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी यानी कि EMA ने 12 साल से लेकर 15 साल के आयु के बच्चों के लिए फाइजर बायो एन टेक COVID-19 वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी दे दी है। फाइजर बायो एन टेक के टीके को 27 सदस्य देशों के यूरोपीय संघ में सबसे पहले अनुमति मिली थी और दिसंबर में 16 साल या इससे अधिक उम्र के लोगों को लगने के लिए लाइसेंस भी प्रदान किया गया था। शुक्रवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए EMA के वैक्सीन रणनीति प्रबंधक मार्को कैवेलरी ने कहा कि यूरोपीय संघ के नियामक को बच्चों और किशोरों के लिए टीके के इस्तेमाल को मंजूरी देने के लिए आवश्यक आंकड़े मिल गए थे और डेटा के साथ पता चलता है कि ये COVID-19 के खिलाफ अत्यधिक प्रभावी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि GST काउंसिल की मीटिंग में बड़ा ऐलान, अब कोविड से जुड़े सामानों पर 31 अगस्त तक नहीं लगेगी कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटी। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि कोरोना के हालात को देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए GST से जुड़े हुए सामानों पर 31 अगस्त तक इम्पोर्ट ड्यूटी हटाने का फैसला किया है।
वित्त मंत्री ने मौजूदा हालात और इंडस्ट्री की मांग को देखते हुए ये फैसला किया है कि कोविड के सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर के अब फोन करके आप कोविड वैक्सीन कर सकते हैं बुक। वैक्सीनेशन कराना होगा और आसान। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के प्रमुख RS शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन पहुँच की समस्या वाले लोग अब हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके अपना कोविड वैक्सीन स्लॉट बुक कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप ने नए IT कानूनों के तहत केंद्र से साझा किया विवरण, लेकिन इस बात को लेकर अब भी अड़ा हुआ है ट्विटर। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि गूगल, फेसबुक और व्हाट्सएप ने नए डिजिटल नियमों के तहत IT मंत्रालय के साथ विवरण साझा कर दिया है, लेकिन ट्विटर अभी भी इन नए नियमों का पालन नहीं कर रहा है। सरकारी सूत्रों के अनुसार ट्विटर ने अभी तक मुख्य अनुपालन अधिकारी का विवरण IT मंत्रालय को नहीं भेजा है। नए नियमों के अंतर्गत ये व्यक्ति सोशल मीडिया कंपनी का कर्मचारी होना चाहिए जो देश में कार्यरत हो। सूत्रों के अनुसार ज्यादातर बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क व्यक्ति और शिकायत अधिकारी का विवरण IT मंत्रालय से साझा कर दिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि मोदी सरकार नहीं बना पाई है अभी तक CAA का नियम और गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए केंद्र ने उठाया है ये कदम। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान 3 देशों से आने वाले गैर मुस्लिम शरणार्थियों से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन देने की मांग की है। देश में ये शरणार्थी लंबे समय से रह रहे हैं। आपको बता दें कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ और हरियाणा के 13 जिलों में ये सभी रह रहे हैं। हालांकि 2019 में सरकार की तरफ से पास किए गए CAA के तहत नियमों को अब तक तैयार नहीं किया गया है। यहीं दोस्तों आपको बता दें कि इन शरणार्थियों के भारतीय नागरिकता के लिए अब गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इनको अब नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन देना होगा। CAA के अनुसार जो भी बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हैं, ऐसे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ चुके हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि 1 करोड़ मुफ्त LPG गैस कनेक्शन के लिए रहे आप तैयार, क्योंकि उज्ज्वला गैस कनेक्शन का तोहफा दे सकती है मोदी सरकार। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण और एक के बाद एक चक्रवाती तूफान के बीच सरकार अपनी दूसरी वर्षगांठ पर लोगों को तोहफा देने का ऐलान कर सकती है। सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों और प्रवासी मजदूरों को 1 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन देने की शुरुआत कर सकती है। इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर के 1 जून से शुरू हो रहे हैं बोर्ड एग्जाम, घर से परीक्षा देने के हैं ये नियम। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CGBSE ने राज्य की 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को शुरू करने के संबंधित कई निर्देश जारी किए हैं। जानकारी के अनुसार परीक्षा केंद्रों पर 1 जून से लेकर 5 जून के बीच कक्षा 12वीं के सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र और आंसर शीट उपलब्ध कराए जाने हैं। जो छात्र इस साल छत्तीसगढ़ बोर्ड 12वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे अपने निर्धारित एग्जाम सेंटर पर जाकर वहां 1 जून से लेकर 5 जून तक अपना प्रश्न पत्र और आंसर शीट ले सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि केंद्रों को निर्देश दिया गया है कि आंसर शीट 6 जून से लेकर 10 जून के बीच जमा की जा सकती है। किसी भी छात्र को प्रश्न पत्र लेने से 5 दिन के भीतर आंसर शीट को जमा कराना जरूरी होगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि सरकार ने न्यूनतम किराया अब 13 से लेकर 16% बढ़ाया, 3 घंटे के सफर पर अब 1100 रुपए ज्यादा खर्च करने होंगे। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने घरेलू हवाई यात्रा करने वालों को बड़ा झटका दिया है। सरकार न्यूनतम हवाई किराया यानी कि किराए के निचले स्तर में 13 से लेकर 16% तक की बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि अधिकतम किराया यानी कि किराए के ऊपरी स्तर में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ये जानकारी दी है और नया किराया 1 जून 2021 से लागू भी हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से कर